अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क की बुक का, और पहले ही चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है। और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यूज कैसे करना है, कितना आपने याद करना है और अटेम्प्ट करना है, ताकि हमारी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो आपको होमवर्क भी दूंगी जो कि आपने करके बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने उसे कर लिया है और अच्छे से किया है या नहीं किया। तो चले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि ये चार कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, लेकिन अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो एक कंप्यूटर के अंदर जो जो भी कुछ यूज हो रहा है या जो उसे यूज कर रहे हैं, उन सबको हम कलेक्टिवली एज अ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? वो हार्डवेयर है जो कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं, और कंप्यूटर कोई कौन यूज कर रहा है, वो सारी चीजों को हम कलेक्टिवली एज अ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है, मेनली उन्होंने चार कंपोनेंट बना दिए कि इसमें वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं जो कि कंप्यूटर के साथ यूज हो रहे हैं। जैसे कि हार्डवेयर है, तो हमें पता है कि हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है। आप इजीली इधर हार्डवेयर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछें कि कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट है उनको डिस्कस करें, तो एज अ रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना आपने कंप्यूटर में, अपनी वर्डिंग में लिखे हैं, कोई ग्रामर के मार्क्स नहीं कट होते, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो हार्डवेयर क्या है जी? फिजिकल पार्ट है। तो जैसे कि फिजिकल कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास सीपीयू हो सकता है, हमारे पास कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, इसी तरह से जो फिजिकल पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर में यूज हो रहे होते हैं, उनको हमें एज अ हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, क्योंकि जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं और डाटा है जो कंप्यूटर में यूज होता है, उसको एज अ हम रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिसोर्स की क्या डेफिनेशन है? जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या डाटा यूज हो रहा है कंप्यूटर में, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो यहां पर उसने कहा कि जो बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हार्डवेयर वाले। तो हार्डवेयर में मेमोरी, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ईटीसी आ सकते हैं। यहां पर उसने एग्जांपल दे दी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, तो सिंपल से सिंपल जो डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेट है सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम सेट है सॉफ्टवेयर का जो यूजर को इस काबिल बनाता है कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके और उससे ऑपरेट कर सके। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करें एक साथ मेरे साथ, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेट है जो हमें इस काबिल बनाता है, यानी यूजर को इस काबिल बना देता है कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके और उसे ऑपरेट कर सके। तो यहां पर उसने यही बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर को भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिन्हें यूजर यूज कर रहा है उनको भी कंट्रोल करता है। क्यों करता है? ताकि यूजर इंटरेक्ट कर सके और कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर सके। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करूं, तो ऐसे प्रोग्राम जिनको हम यूज करते हैं, जो यूजर के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि आप यूट्यूब को यूज करते हैं, गूगल को यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, और इस तरह से ऐसे प्रोग्राम जिनको यूजर यूज करता है उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो आप यहां पर सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्राम की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइन द वे इन विच सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। अब यहां पर वो कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे सिस्टम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए यूजर के लिए। किसके लिए? यूजर के लिए। यूजर के लिए वो आसानियां पैदा करेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम वर्ड प्रोसेसिंग ले सकते हैं, स्प्रेडशीट ले सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम ले सकते हैं, आप अपना यूट्यूब ले सकते हैं, व्हाट्सएप ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि यूजर के लिए प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देते हैं। उसके बाद यूजर है, तो यूजर में एक पर्सन भी हो सकता है, पीपल्स भी हो सकते हैं, कोई अलग दूसरी मशीन है जो कि कंप्यूटर को यूज कर रही है, या दूसरे कंप्यूटर्स हैं, तो वो भी एज अ यूजर आ सकते हैं। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक चार कंपोनेंट थे जो हमने देखे अभी अभी। ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग नहीं आ सकता है। इस डायग्राम में उन्होंने यही समझाया, ये कुछ यूजर हैं जो कि सिस्टम को या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ताकि ये जो यूजर है वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद यहां पर उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को जरा डिफाइन किया, तो उसको पढ़ लेते हैं। बेसिक आपका जो कंसेप्ट है वो ये ध्यान में रहना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा सारे का सारा कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से कि यूजर अच्छे से इंटरेक्ट कर सके और कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर सके, ऑपरेट कर सके। ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरह से प्रोग्राम भी होता है, और एक तरह से ये सेट ऑफ प्रोग्राम भी होता है दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, लेकिन ये सिर्फ
कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज नहीं करेगा, इतनी डेफिनेशन नहीं है इसकी, ठीक है जी। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक तो ये कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या कर रहा है जी, मैनेज कर रहा है, और इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द हार्डवेयर। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी बेसिस प्रोवाइड करता है और एक्ट करता है एज ए इंटरफेस किसके दरमियान, कंप्यूटर यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है और जो हार्डवेयर है उनके दरमियान, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज कर रहा है, ठीक है, और उनके दरमियान एज ए इंटरफेस काम करता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर अच्छे से आसानी से कंप्यूटर को यूज करें। जैसे आप अपने मोबाइल पर क्या यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको आइकन बने हुए नजर आ रहे हैं, तो वो किसके जरिए आ रहे हैं, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए आ रहे हैं, आप आसानी से कह रहे हैं। अगर फर्ज करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हर मरतबा आपको कमांड लिखना पड़ती, तो आपको बहुत ज्यादा कमांड याद करना पड़ती, तो ये बहुत ही ज्यादा एक कम्प्लेक्स और इस तरह का काम हो जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जी, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करके कि यूजर आसानी से कंप्यूटर को यूज कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, यहां से लेकर यहां तक इसकी डेफिनेशन बन रही है, ठीक है जी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूजर, मुख्तलिफ यूजर के लिए ये काम करेगा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी मैनेज करेगा, हार्डवेयर के यूज को भी मैनेज करेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की यहां से लेकर यहां तक डेफिनेशन। अगर आपको मुश्किल लगती है तो गूगल पे जाएं, सर्च करें, जो इजी लगती है वहां पर, यहां पर आपको जगह नजर आ रही है, इधर उसे लिख दें, जो आपको इजी लगता है उसे याद करें, रट्टा मत मारें, आपको आजकल गूगल पे हर चीज मिलेगी, ठीक है। मैं समझा रही हूं, मेरा काम समझाना है और मैं आपको बता भी रही हूं ताकि आपको पता चले कि आपने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आ गई है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। तो कन्वेनियंस की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का इज कन्वेनियंस फॉर यूजर। कैसे, क्योंकि हमने बात की कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। ग्राफिकल का क्या मतलब है जी, ग्राफिकल नजर आ रहा है हमें, आइकन नजर आ रहे हैं, जैसे आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो वहां पर माय कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेस, गूगल, हर चीज के आपको आइकन नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह अपना मोबाइल ओपन करते हैं तो वहां पर भी आपको एक इंटरफेस मिल रहा होता है, जो पहली स्क्रीन आपको देखने को मिलती है उसको इंटरफेस कहेंगे। फिर आप उनमें से किसी भी ऐप को ओपन कर लेते हैं, उनमें आपको इंटरफेस मिलते हैं, वो अलग बात। लेकिन जो ये आपको इंटरफेस मिल रहा है, इसके जरिए यूजर आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है। यूजर क्या करता है, आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इतना फ्रेंडली होता है उसके लिए, तो ये किसकी बदौलत हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत हो रहा है। तो यहां पर उसने यही बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम, अब जो यूजर के प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट भी कर लेता है, और एंड मेक इट इजी टू सोल्व यूजर प्रॉब्लम, यूजर की जो प्रॉब्लम है वो भी इजिली सोल्व हो जाती है, क्योंकि यूजर को फ्रेंडली, ग्राफिकल फ्रेंडली यूजर इंटरफेस मिला है, उसे समझ आ गई कैसे यूज करना है। आपको भी पता होगा कि अनपढ़ भी अब मोबाइल को कैसे चला रहे होते हैं, क्योंकि कैसे चला रहे होते हैं, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उनके लिए हर चीज को याद रखना आसान हो जाता है, आइकन से उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज इसके लिए है। दे ऑल्सो मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंस टू यूज, अब हम इजिली कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी का मतलब यह है कि जो काम करवाया जा रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या वो सही से हो रहा है, वक्त पर हो रहा है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। एफिशिएंसी इंप्रूव होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए जब हम सीपीयू के टाइम को एलोकेट कर देते हैं। फिर से सुनिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एफिशिएंसी हम इंक्रीज करते हैं सीपीयू के जरिए जब हम टाइम को एलोकेट करते हैं। ये नहीं है कि सीपीयू सिर्फ एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करता रहेगा और दूसरे इंतजार करती रहे, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखेंगे आगे जाकर के हम मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, पता नहीं चल रहा किसकी कब हो रही है, आपको यही है कि आपका काम होता जा रहा है। तो आ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इज एफिशिएंसी ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, यूजर इजीली कंप्यूटर को यूज कर सके। अब वो जो काम परफॉर्म करवाना चाह रहा है अब उसमें एफिशिएंसी प्रोवाइड की जाए, जल्दी से उसका काम किया जाए। इट इज पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज शेयर मल्टी यूजर सिस्टम। अब जहां पर लार्ज या शेयर मल्टी यूजर सिस्टम है वहां पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक को ही अगर वो एग्जीक्यूट करेगा तो बाकी तो फिर वेट करती रह जाएगी, और वेट तो होना ही नहीं चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सोल्व दिस गोल, और उसने इस गोल को सोल्व किया है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। हम कंप्यूटर हार्डवेयर को भी इन एफिशिएंट मैनर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जी एबिलिटी टू इवॉल्व, अब हार्डवेयर से ये मत समझिएगा मुझे चीज समझ नहीं आई, तो हार्डवेयर का ये मतलब है जैसे कि आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, ये एक रिसोर्स है,
अब इस रिसोर्स को यूज करना है, मुख्तलिफ रिक्वेस्ट आ रही है कि हमने यूज करना है, हमने करना है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंसी को बरकरार रखेगा, उस रिसोर्स को, उस हार्डवेयर को, उस पार्टिकुलर जो हमारे पास प्रिंटर है वो किस रिक्वेस्ट के लिए देना है, ठीक है जी, तो उसके लिए ये एफिशिएंसी को बरकरार रखेगा। हो सकता है अभी आपको ये थोड़ा सा अजीब लगे, समझ ना आए, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता जैसे आप आगे जाएंगे तो आपके लिए ये बच्चों वाली गेम हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एबिलिटी टू इवोल्व। इवोल्व का मतलब होता है चेंजेस लाना, क्या मतलब होता है, चेंजेस लाना, उसमें इवोल्व करते जाना, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई नए फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, हम न्यू फंक्शन या न्यू फंक्शनैलिटी सिस्टम को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपके पास होमवर्क यह है कि आपने तकरीबन मुझे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख के नीचे देने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ इफेक्टिव डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम। अब हम इफेक्टिव डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं और न्यू फंक्शन को भी ऐड कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सर्विस। जो सर्विस प्रोवाइड की गई है वो तो रहेगी, उससे कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है जी, वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन हम एक्स्ट्रा और न्यू फंक्शंस को भी ऐड करते जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसको कहते हैं जी एबिलिटी टू इवोल्व। उसके बाद जी रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, यहां से लेकर यहां तक उसने वही बताया जो हमने पीछे पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, क्या काम करता है। असल रोल यहां से शुरू होता है, सबसे पहला जी एज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंग्लिश में बोलते हैं तो गवर्नमेंट उर्दू में बोलते हैं, स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट की बात करें तो आपको पता है किसी मुल्क को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होती है जो कि सारे के सारे काम परफॉर्म करती है, आगे उसके कोई वजीर मशीर होते हैं जो कि मुख्तलिफ काम को परफॉर्म करके एक मुल्क का निजाम चला रहे होते हैं। जिसकी गवर्नमेंट अच्छी होगी उसका निजाम अच्छा चलेगा, अगर गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी तो निजाम अच्छा नहीं चलता। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी ज्यादा गवर्नमेंट काम करेगा, ये भी निजाम को चलाएगा, लेकिन इसका निजाम किस टर्म में आएगा, कंप्यूटर के टर्म में। तो कंप्यूटर के निजाम को चलाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा गवर्नमेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज अ गवर्नमेंट, द बेसिक रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय इट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा। अब जो रिसोर्सेज होते हैं वो कहां से मिलते हैं कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को, उनको हम कहेंगे कि वो हार्डवेयर हो सकता है रिसोर्स, कोई सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा फाइल्स एज अ रिसोर्स यूज होगी। तो जहां पर भी रिसोर्स टर्म यूज हो तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि हार्डवेयर की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, या किसी इंपोर्टेंट डाटा की बात हो रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मींस एंड द एनवायरनमेंट फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। अब जो ये हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है या जो डाटा है, इनको यूज करने के लिए एक एनवायरनमेंट और प्रॉपर यूज करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना किसका काम है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उसके बाद ये रिसोर्स एलोकेटर की बात करें तो रिसोर्स क्या हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। अब उसने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को एलोकेट करेगा, इसका क्या मतलब है कि कौन सा रिसोर्स किसको देना है। अगर कोई एक पार्टिकुलर रिसोर्स है उसको कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जा रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कौन कब और कितने वक्त के लिए इसे यूज करेगा। यहां पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में समझे कि एक प्रिंटर है वो क्या है, एज अ रिसोर्स है, क्योंकि वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब उसके लिए 3 रिक्वेस्ट आ जाती है, अब इन तीनों में से किसको प्रोवाइड करना है वो रिसोर्स कि वो उसे यूज कर सके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा और मंदे नजर रखते हुए डिसाइड करेगा कि एफिशिएंसी भी ना गिरे और फेयरनेस भी रहे, सबको मिलता भी रहे ये रिसोर्स और एफिशिएंसी भी बरकरार रहे, किसी को ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी रिसोर्सेज, मुख्तलिफ रिसोर्सेज हो सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा को। आगे हम आप सोचे जरा हार्डवेयर में क्या क्या आ सकता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ सकता है, डाटा में क्या क्या आ सकता है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो ईच रिसोर्स कैन बी यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम, हर रिसोर्स कोई ना कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज द यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। अब जो सिस्टम रिसोर्सेज है इनके यूज को मैनेज करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देयर मे बी मैनी रिक्वेस्ट फॉर अ पार्टिकल रिसोर्स, एक पार्टिकल रिसोर्स के लिए काफी रिक्वेस्ट आ सकती है। अब यहां पर पार्टिकल रिसोर्स को समझे कि एक प्रिंटर है जिसके लिए कुछ रिक्वेस्ट आ सकती है, दीज रिक्वेस्ट मे बी कंफ्लिक्टिंग। अब इनमें से किसको देना है ये मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच रिक्वेस्ट शुड ऑब्टेन द रिक्वायर रिसोर्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर डिसाइड करेगा भाई ये वाला रिसोर्स इस रिक्वेस्ट को दिया जाए। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक इन टू कंसिडरेशन, अब ऐसा नहीं है कि वो उसका रिश्तेदार है तो उसको उठा के दे देगा,
भाई तुम यूज कर लो इसको, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर इन दो चीजों को मद्देनजर रखेगा कि सिस्टम की एफिशिएंसी भी सही रहे और फेयरनेस भी। उसके बाद हम बात करते हैं जी कंट्रोल प्रोग्राम की। तो नाम से ही जाहिर है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना किसका काम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो यूजर के प्रोग्राम होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, वो जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो उनको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमने देखा था कि हार्डवेयर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है ताकि यूजर अच्छे से यूज कर सके। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर प्रोग्राम और डिवाइसेस को एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर है उसको भी मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा। और इसके बाद इसकी बात करें तो हार्डवेयर कंपोनेंट को भी ये कंट्रोल कर रहा है। इट आल्सो इंश्योर द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज प्रॉपरली। अब जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज है वो भी अच्छे से यूज हो रहे हैं उसको भी ये इंश्योर करेगा। तो कंट्रोल प्रोग्राम में ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा, हार्डवेयर की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा, सॉरी हार्डवेयर डिवाइसेज को कंट्रोल करेगा, सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा और देखेगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारे के सारे तीन बेसिक इसके रोल थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों को आपने इनकी हेडिंग्स को दो दो मरतबा लिखना है। कितने मरतबा, एक मरतबा वीडियो को आपने पढ़ा, अपने अल्फाज में एक मरतबा याद करें कि क्या क्या आपको समझ आई है और उसके बाद उसे लिख दें और देखें कि कौन कौन सा पॉइंट है जो आप मिस कर गए हैं, तो फिर उन पॉइंट को दोबारा से रिवाइज करके फिर उन्हें सारे के सारे को लिख दें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मजे की आपको बुक लगेगी। एक बच्चे ने कमेंट किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुश्किल है, डाटाबेस फिर भी हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आसान बना के दूंगी मैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप किसी के रोल को देख लें, देखें कि एक ये करेक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में और हम देखेंगे कि भाई ये क्या क्या काम कर सकता है, इसके काम को देखेंगे कैसे ये काम करता है, बस इसके ऊपर फोकस करना है और कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, नंबर देने वाला सब्जेक्ट है, अच्छे से करेंगे। और बाय द वे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज के साथ, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बन सके और मुझे पढ़ाने का मजा आए। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस हद तक आपको समझ आई और कहां से आपको जरा मुश्किल लगा, ताकि दोबारा से मैं उसको आने वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दूंगी और अच्छे से तैयारी करनी है। अगर इस चैनल पर आप आ गए और आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, ये मेन मोटिव है हमारा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम मेन फ्रेम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।